नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को शुरू हुई नौटंकी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ ली और एनसीपी के अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति इस तरह उलझ गई कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में दिखी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार को 27 नवंबर को वोट कराकर बहुमत हासिल करना होगा और बहुमत साबित करने के लिए कराना होगा फ्लोर टेस्ट, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है जहां किसी भी पार्टी के पास अकेले स्पष्ट बहुमत नहीं है और दावे करने वाले दो गुट हैं कि हमारे पास बहुमत है, और इसलिए फ्लोर टेस्ट कराना ही एकमात्र तरीका है जिससे ये पता किया जा सके कि कितने विधायक किस पार्टी के साथ हैं। तो आइए जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। आमतौर पर पहले मुख्यमंत्री के बाद विधायकों को भी शपथ दिलवाई जाती है और शपथ दिलवाते हैं स्पीकर, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है यहाँ अभी कोई स्पीकर नहीं है और ना ही विधानसभा के सदस्यों ने शपथ ग्रहण की है। ऐसे में विधायकों को शपथ लेनी पड़ेगी, उसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाएगा और प्रोटेम स्पीकर सबसे वरिष्ठ विधायक को बनाया जाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए कोई कानून नहीं है, बस एक परंपरा है कि वरिष्ठ विधायक को स्पीकर बना दिया जाता है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर के पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती, वो बस चुने हुए विधायकों को शपथ ग्रहण कराते हैं। फ्लोर टेस्ट में क्या होता है? फ्लोर टेस्ट में बैलेट के जरिए ही वोट डाले जाते हैं। ये वोट सत्यापित किए जाते हैं। आमतौर पर ये वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है, लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वोटिंग सीक्रेट बैलेट से ना हो और वोटिंग का लाइव प्रसारण हो। ये वोटिंग ध्वनि मत से बिल्कुल नहीं हो सकती। वोटिंग के बाद फैसला होता है कि किसके पास बहुमत है। वोटिंग से पहले विधानसभा या संसद का कॉरिडोर खाली किया जाता है किसी हंगामे से निपटने के लिए। मार्शल तैयार रहते हैं। मान लीजिए अगर कोई कुछ फाड़ दे स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर पर हमला कर दे तो मार्शल संभालने के लिए मौजूद रहते हैं। वोटिंग के दौरान सदन बिल्कुल व्यवस्थित रहना चाहिए। थोड़ा भी अगर हंगामा होता है तो प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए स्थगित करते हैं। फिर से जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है तो वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग की प्रक्रिया, विधायकों के शपथ लेने के बाद स्पीकर का चुनाव होता है और एक तरह से स्पीकर का चुनाव ही ये साबित कर देता है कि किस पार्टी के पास बहुमत है। हर पक्ष अपने पार्टी के सदस्य को स्पीकर बनाना चाहेगा और जिसके पास बहुमत होगा उसके ही उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। स्पीकर के चुनाव के बाद फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। फ्लोर टेस्ट में भी क्रॉस वोटिंग होती है। हर एक पार्टी अपने विधायकों को एक व्हिप जारी करती है कि उन्हें किस पक्ष में वोट करना है। अगर कोई एमएलए से अलग वोट करता है तो वो अयोग्य करार हो सकता है। एक बार विधायक अयोग्य हो जाए तो उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता है। सीक्रेट बैलेट है तो तुरंत पता नहीं लगेगा कि किसने किसको वोट किया है, लेकिन पार्टियां आंतरिक तौर पर जांच करती हैं। हालांकि महाराष्ट्र में वोटिंग सीक्रेट बैलेट से नहीं होगी। महाराष्ट्र की स्थिति में फ्लोर टेस्ट ही एकमात्र रास्ता सरकार किसकी होगी ये साबित करने का। तो बस कुछ समय का इंतजार और रह गया है। उम्मीद है आज महाराष्ट्र की तस्वीर साफ होगी और महाराष्ट्र की जनता को एक बहुमत वाला मुख्यमंत्री मिल जाएगा।